हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस पौधे के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, यह तुलसी का पौधा है। नर्सरी से लाने के बाद अब इसे घर में कैसे लगाना है, कौन सा मिट्टी में लगाना है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तुलसी का पौधा प्रायः हर एक घर में पाया जाता है, क्योंकि इस पौधे को हम लोग पूजा करते हैं और यह औषधीय गुण से भरपूर पौधा होता है। हमारे घर में प्रायः राम तुलसी का पौधा हर एक घर में आपको मिलेगा और श्याम तुलसी या दो प्रकार के तुलसी का पौधा प्रायः सब घर में मिलता है। राम तुलसी है, इसकी पत्ती हरी चमकदार होती है और देखने में बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स होता है। तुलसी के पौधे को प्रायः हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे प्रायः हमारे घर के आंगन में लगाकर इस पौधे को हम लोग अच्छी तरह से पूजा करते हैं। जहाँ तुलसी की पूजा होती है उस घर में लक्ष्मी एवं धन का वास होता है। यह पौधा हमारे घर के नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल कर हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। यह औषधीय गुण से भरपूर पौधा होता है और इससे हमारे बहुत सारे रोग निवारण का भी काम करता है। सर्दी, खांसी, पेट में गैस और भी बहुत सारे बीमारियों के लिए रामबाण का काम करता है। तुलसी के पौधे से बहुत सारे रोगों का निदान होता है। यह औषधीय गुण से भरपूर पौधा आता है। इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाएं और कैसे लगाना है, उसके लिए मिट्टी में क्या क्या मिलाना है, इसके बारे में मैं आपको देखिए बताने जा रहा हूँ कि कैसे हमने इस तुलसी के पौधे को अपने गमले में लगाया है घर में, उसके लिए हमने मिट्टी में क्या क्या मिलाया है। तो हमने पुराने गमले की मिट्टी ले ली है, उसमें से जो भी खर जड़ एवं खर पतवार है उसको अच्छी तरह से निकाल कर अलग कर देना है। उसके बाद इसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र यूज करना है उसके बारे में मैं देखिए बताने जा रहा हूँ। इसे गमले में डायरेक्ट नहीं लगाना है, गमले की जो पुरानी मिट्टी है उसको अच्छी तरह से आप पलटी करके उसमें जो भी खर पतवार जड़ उसको निकाल दें। उसके बाद आपको लकड़ी के राख लेना है, उसमें कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे के ग्रोथ को बढ़ाता है, कीटनाशक का सफाया करता है। आप इसका 100 ग्राम या 10 चम्मच लकड़ी के राख को आप मिट्टी में मिलाइए, इससे पौधे में ग्रोथ बढ़ेगा, ज़बरदस्त टाइप का काम करता है, फंगस नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह बर्मी कंपोस्ट खाद है जो कि केचुए के खाद से बना होता है। इसमें भी बहुत सारे हमारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका भी आप 100 ग्राम ले लें या 10 चम्मच आप मिट्टी में लेकर अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स कर दें। उसके बाद आपको और एक फर्टिलाइज़र लेना है। देखिए दोस्तों, यह चूना है। चूना में बहुत सारे हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, आयरन, ऑक्सीजन, अम्लीय पदार्थ, जो हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है एवं कीटनाशक को जड़ से सफाया करता है। इसका आपको एक चम्मच लेना है और इन तीनों को अच्छी तरह से गमले की मिट्टी में मिक्स कर देने से ये हुआ कि आपका जो पौधे की पोषक तत्व की कमी होगी इस मिट्टी में वो अच्छी तरह से मिल जाएगा, जिससे हमारा जो भी प्लांट्स आप लगाएगा उसमें गजब टाइप का ग्रोथ करेगा। यह पौधे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मिट्टी हमने तैयार कर दी। उसके बाद आपको जिस गमले में लगाना है उसको ड्रेनिंग सिस्टम अच्छी तरह से होल क्लियर कर लीजिए। उसके बाद कुछ मिट्टी डालकर आप जो प्लांट नर्सरी से लाए हैं उसे आप लगा कर अच्छी तरह से मिट्टी भर दें उस प्लांट्स में पूरा चारों तरफ से। हमने जो मिक्स मिट्टी तैयार किया है उसको अच्छी तरह से जो पौधा लगाया है तुलसी जी का उसको अच्छी तरह से चारों साइड से हम लोग मिट्टी से कवर कर देते हैं और प्लांट्स को आप शेडी एरिया में रख दीजिए। 2 से 3 दिन के बाद आपको प्लांट्स में गजब टाइप का ग्रोथ होगा, हरा भरा एकदम साफ आपको नज़र आएगा। उसके बाद दोस्तों, हमने मिट्टी पूरी तरह से भरने के बाद इसमें
पूरी मात्रा में पानी नहीं देना है, पानी का खाली हल्का हल्का छिड़काव करना है दो दो दिन के अंतराल में, जिससे प्लांट्स आपका अच्छे से हरा भरा हो जाएगा। ज़्यादा पानी डालने से आपके प्लांट्स जो है वो मरने की संभावना रहती है, इसलिए आप इस पानी हल्का मना मात्र का दीजिए और आपके प्लांट्स एक सप्ताह के बाद एकदम हरे भरे साफ नज़र आने लगेंगे। अगर गर्मी के सीजन में आप इस प्लांट्स को लगा रहे हैं तो लगाने के बाद आपको शेडी एरिया में रख दीजिए, और बरसात के सीज़न में इसे प्लांट्स में लगा रहे हैं तो आप खुले छत पे भी रख सकते हैं। देखिए हमारा यह प्लांट्स एक सप्ताह के बाद कितना हरा भरा नज़र आ रहा है। आपको नर्सरी से लाने के बाद डायरेक्ट गमले में नहीं लगाना है प्लांट्स को, और आप जिस भी प्लांट्स को लगाइए उसको मिट्टी अच्छी तरह से बनाकर आप उस प्लांट्स को लगाइए। आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से लगेंगे, हरे भरे रहेंगे, पोषक तत्व से भरपूर इस मिट्टी में कोई भी पौधा को आप लगाइएगा तो अच्छी तरह से यह ग्रो करेगा। मैंने जिस विधि से पेड़ लगाने के बारे में आप लोगों को बताया है, आप इसी तरह से अपने पौधे को लगाइए, चाहे तुलसी का पौधा हो चाहे अन्य कोई पौधा, 100% लगेगा और अच्छे से ग्रो करेगा। तो दोस्तों, ये औषधीय गुण से भरपूर तुलसी के पौधे को आप इसी तरह से अपने घर में लगाइए और अच्छे से यह ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से लगेगा प्लांट्स, और देखने में यह प्लांट्स हरा भरा रहेगा। इस प्लांट्स में औषधीय गुण से भरपूर है, इसका देखरेख करना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एवं कमेंट आप ज़रूर करें, और प्लांट्स के बारे में और भी कोई इंफॉर्मेशन जानना है तो हमारे यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप प्लांट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जिस विधि से आपको प्लांट्स लगाने के बारे में आप लोगों को बताया, आप उस विधि से अपने प्लांट्स को लगाइए, आप प्लांट्स को सेफ रखिए और अपने भी सेफ रखिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नई किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपने सेफ रखिए, अपने प्लांट्स को भी सेफ रखिए। बाय बाय, टाटा।